हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो है ना, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। बिकॉज़ और काफ़ी लोग जब मुझसे आप पूछना चाहेंगे मेरी तबीयत कैसी, तबीयत अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब सी लग रही है। मुझे लग रहा है कि मेरे को थोड़ा सा बुखार वगैरह और ऑलरेडी हो चुका है, बट अब आप लोगों के सामने एनर्जी की तरह बात करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर मैं लो में बिल्कुल बिल्कुल दिखाऊंगा कि हमें बुखार है, जुखाम है, तो मतलब वो ना फिर वो बात नहीं होती वीडियोस के अंदर। तो मुझे फुल एनर्जी के साथ दिखाना पड़ेगा कि आप लोगों के सामने कि यस आई एम गुड, बट हूँ नहीं। बट जिसने भी यू नो तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा उन लोगों का जिसने मैसेजेस करे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज मैं गया था हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह, काफ़ी अच्छा लगा यार, बहुत दिनों से मन था। उसके ऊपर व्लॉग आ जाएगा, हम एडिट करेंगे। बट ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चीज़ से रिलेटेड है, ऑफ़र लेटर से रिलेटेड। बहुत कुछ बताने वाला हूँ डिटेल में, एक एक चीज़ कि अगर आपकी बेसिक सैलरी है कितनी होनी चाहिए, ओवर टाइम से रिलेटेड, एनुअल लीव से रिलेटेड, बहुत कुछ है। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। ऑफर लेटर को कैसे पहचाने, फेक है, रियल है, कैसे पहचाने। बिकॉज बहुत इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, गाइस देखो, मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते हैं और मैं अभी तक बाय गॉड ग्रेस पूरी कोशिश करता हूँ कि सब लोगों का रिप्लाई कर पाऊँ। यहाँ पे एक हमारे सब्सक्राइबर है, बहुत ही प्यारे, इतने मैसेजेस आते हैं ना, मेरे को समझ नहीं आता मैं किस किस का मतलब लूँ। एक तो क्या नाम था उन भाई का यार, कुछ होटेलियर करके था यार, अब क्या था, कुछ तो था। कल मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई है, कल मेरी जो होटेलियर्स हैं प्लस में और भी हैं, बहुत बहुत सारी वीडियोज मैं लेके आने वाला हूँ। बट मैं एक सेकंड, यस होटेलियर्स, ये रहा, ओके, होटेलियर्स पैशन इंडिया, एक और बंदा होटल से रिलेटेड, मैं उसका उनका भी नाम बाद में बताऊंगा। तो इन भाई का सिलेक्शन अभी मैं बताता हूँ कि सीन है क्या। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, इन भाई का इंटरव्यू इन्होंने दिया है सीए स्काइप के थ्रू, सो इनका सिलेक्शन हो चुका है कुवैत के लिए। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देखो, अगर आप कुवैत जा रहे हो, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी गाइस, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कुवैत, यहाँ पे वीडियो आ रखी होगी। प्लस मैं इंस्टाग्राम पे भी मैंने वीडियो बना रखी है। अब मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने लगा हूँ, इसलिए गाइस आपको बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। देखो, ट्रैवलिंग फिटनेस रिलेटेड मैं वहाँ पे रील्स डालता हूँ, पोस्ट डालता हूँ, बट अब मैं जॉब्स के रिगार्डिंग भी ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन डालने लगा हूँ। जैसे यूट्यूब पे क्या फुल डिटेल में वीडियोज होती है, बट इंस्टाग्राम पे क्या है 15-30 सेकंड के अंदर मतलब सब कुछ, एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, पॉइंट टू पॉइंट वाली, तो वो चीज़ होती है। तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो पहले देखो इंस्टाग्राम का कंटेंट जो मैंने रील्स बना रखी है, उस वाले सेक्शन में जाके देखो कि जॉब्स के रिगार्डिंग कौन सी है। ट्रैवलिंग फिटनेस वो डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर कि आपको क्या चीज़ है, कुछ भी समझना है फिर उसके बाद मैसेज करो, हम हमेशा रिप्लाई करते हैं। एंड अभी 2-4 दिनों से थोड़ा सा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आई डोंट नो, शायद बुखार, अब मेरा पूरा बदन टूटने लगा है। बट आज शाम को हम दिखाने जाएंगे। काफ़ी लोग बोल रहे कि भाई आराम करो, वीडियोस थोड़ी दिनों के लिए बंद कर दो, बट मैं नहीं। बिकॉज देखो, सीन ये है कि काफ़ी लोग मैसेजेस कर रहे हैं और ये भाई बोल रहा है कि भाई मुझे 1-2 दिनों में जवाब देना है। 2-4 लोगों के ऐसे यू नो सिलेक्शन हो चुके हैं, तो उन्होंने बोला ऑफर लेटर से ही रिलेटेड है। सही है, तो मैंने कहा कि भाई हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी है, कमेंट में जो कुछ पूछना हो पूरी कोशिश करना, अदरवाइज इंस्टाग्राम पर DM कर देना, फॉलो कर लेना। अब बात करते हैं कि देखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कुवैत, अगर आप ये जानना चाहते हो कुवैत में आपका खर्चा कितना होता है, तो यहाँ पे वीडियो आ जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी डाल रखी है मैंने रील्स के अंदर। अब फिर भी मैं बेसिकली आप लोगों को बताता हूँ कि देखो, बेसिक सैलरी, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारी बेसिक सैलरी इतनी है तो हमको ओवर टाइम कितना मिल सकता है, अगर हम ओवर टाइम करते तो हमारा 1 घंटे का ओवर टाइम कितना KD होगा, कितना फील्स होगा। सही है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप कैसे मतलब निकाल सकते हो आपके ओवर टाइम का 1 घंटे की सैलरी कितनी है। ये कैलकुलेटर निकाल दिया हमने, कैलकुलेटर। मान लो एक बंदे की सैलरी, देखो नॉर्मल जो मोस्टली जो सैलरीज होती है ना लोगों की, वो होती है 130 KD। ये बेसिक सैलरी होती है कुवैत के अंदर, इतनी सैलरी लोगों को मिलती है कम से कम। ये देखो 130 KD सैलरी है एक बंदे की, ठीक है। मान लो राम, लक्ष्मण, जो भी आप XYZ कोई भी नाम ले लो, यानी आपकी मेरी 130 KD, इसको हम डिवाइड करेंगे 26 दिनों से, क्योंकि 4 दिन ऑफ रहते हैं, तो आपके 1 दिन की सैलरी कितनी है, 5 KD। 5 KD इंडिया में कन्वर्ट करके देखोगे तो आप अराउंड 1000-1200 रुपये के आसपास है, गूगल पे कन्वर्ट करके देख लेना, ठीक है। जो गूगल पे जो रेट दिखाएगा उससे आपको 1 रुपये कम ही मिलेगा, मतलब 1 KD कम ही मिलेगा जब आप इंडिया में पैसे ट्रांसफ़र करने जाते हैं। देखो, तो आपकी कितनी सैलरी हुई, फिर से बता रहा हूँ, 130 KD आपकी बेसिक सैलरी है, डिवाइड करोगे 26 दिनों से, 30 दिनों से नहीं, 26 दिनों से, बिकॉज 4 दिन आपका ऑफ रहता है। तो यहाँ पे आपकी सैलरी हुई 5 KD 1 दिन की। अब इसके अगर ये है कि भैया 8 घंटे आप ड्यूटी करते हो, तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे 8 से, तो ये बन गई आपकी 0.625 फिल्स। 625 फिल्स बोले तो अराउंड जैसे 240 रुपये रेट चल रहा है 1 KD का, तो 625
मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, मेरे हिसाब से ये आपका बैठेगा कुछ 120 130 मतलब 150 रुपये के आसपास बैठेगा एक घंटे का ओवर टाइम, समझ रहे हो। अगर आप ओवर टाइम करते हो तो एक घंटे का ओवर टाइम कितना बैठेगा, 140 150 रुपये नियर बाई इतना बैठेगा, वो कन्वर्ट करके देख लेना आप लोग। तो ये तो हुआ ओवर टाइम की बात, आई होप कि ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसी वीडियो किसी ने नहीं बनाई, बिकॉज आज मैं फुल मूड में हूँ कि मैं अच्छे से वीडियो आप लोगों को बताऊँ समझाऊँ कि क्या क्या चीज़ें। अब बात करते हैं भाई कि अब मैं बहुत सारी गलतियां बताऊंगा। अब मैं सीधी बात करता हूं कि भाई अगर ऑफ़र लेटर को कैसे पहचाने कि आपका जो ऑफ़र लेटर है वो रियल है कि फेक है। इसके ऊपर ही मैंने इंस्टाग्राम पे रील बना रखी, इसलिए बोलता हूं गाइस बार 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 कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बिकॉज बहुत सारी रील्स मैं लेके आने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें। अभी ठीक है पिछले 3-4 दिनों से नहीं डाल पा रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों को मालूम है तबीयत थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। 5वां दिन 4th दिन आज मैं जिम भी नहीं जा पा रहा हूँ, मंडे से ही जाऊँगा, बहुत ज़्यादा बॉडी डाउन हो चुकी है। खैर वो रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे पहचाने अगर आपके पास ऑफ़र लेटर है कि वो रियल है कि फेक। मेरे पास यहाँ 2 बंदे को ऑफ़र लेटर है, मैं पहले खुद देखता हूँ उसके बाद मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखो मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखा हुआ उन लोगों का, मैंने उनको बोला भी था कि भाई आप पर्सनली अच्छे से मेरे को ऑफ़र लेटर की फ़ोटो वोटो भेज दो तो बिल्कुल हाई क्वालिटी में भेजा करो, बिकॉज फिर जूम करके देखना पड़ता है, समझ नहीं आता। सो यहाँ पर एक कंपनी है जिस दूसरे बंदे का नाम बता रहा हूँ मैं, उनका क्या नाम था यार, उनका भी मेरे को नाम, हाँ उनका नाम है मिस्टर सुमन करके एक हैं कोई से, ये इंस्टाग्राम पे उन्होंने हमको मैसेज किया है। सो उनका एक ऑफ़र लेटर है, ये ऑफ़र लेटर है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊँ, जब भी आपका ऑफ़र लेटर आएगा ना आपके पास, ऑफ़र लेटर में हमेशा कंपनी का नाम देखो, ये कंपनी का ईमेल एड्रेस देखो, बिकॉज हमेशा होता ही होता है, और प्लस में उनका फ़ोन नंबर देखो। अगर ये चीज़ें हैं तो उनको वेरीफाई करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वेरीफाई तो कर रहे हो ना, उनसे पूछो कि भाई ये चीज़ें मेरी आपके कंपनी में सिलेक्शन हुआ, ईमेल करो या फ़ोन करके पूछो कि मेरी आपकी कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्या ये 100% जेन्युइन है कि नहीं। ये तो हो गया ऑफ़र लेटर को बात, ऑफ़र लेटर को लेके बात, ठीक है। ये ऐसे पहचान सकते हो सी। तो यहाँ पर यार अब बहुत मतलब जब से मैंने ऑफ़र लेटर की चीज़ें देखी तो मेरे दिमाग में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आने लगे कि मैंने कहा कि चलो भाई इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पर ना मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, तो ये भाई है ना हमारे, तो हाँ सुमन भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो, मैंने आप लोगों को आपको बोला भी था कि भाई इंस्टाग्राम पे कि मैं इसके ऊपर कल वीडियो बना दूंगा, तो आज हम बना रहे हैं जैसा मैंने वादा किया था, तो हम बना रहे हैं। आई होप कि देख रहे होंगे आप, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे भाई क्या लिखा हुआ है कि मील अलाउंस 15 KD, ठीक है। 15 KD में पहली बात तो आपका हो ही नहीं पाएगा, अगर कुवैत में आप यूनो रहते हो तो कम से कम भी 20 KD 25 KD आप अपना खाने पीने का खर्चा मान के चलो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इनकी अब लिखी हुई है टिकट अलाउंस 10 KD प्लस में, हाँ एक चीज़ और थी एनुअल लीव, सबसे बड़ी चीज़ जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस, यहाँ पे इनके लिखा हुआ एनुअल लीव 15 दिन की बेसिक सैलरी, वो भी कब मिलेगी, जब आपका 1 साल हुआ था। देखो भाई मेरे को जितना अभी तक लॉ पता है ना कुवैत के, देखो कुछ कुछ लॉज मुझे मालूम है, और जितना भी 99% कंपनीज़ के अंदर कुवैत में क्या होता है कि 1 साल जब आपका, देखो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है मोस्टली, 99% 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है कुवैत के अंदर, ठीक है। गाइस ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ हर लाइन से रिलेटेड, तो आई होप कि आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। तो देखो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको 1 साल के बाद क्या है 1 महीने की छुट्टी मिलती है। यहाँ पे लिखा हो कि 1 महीने की छुट्टी के बाद ना, मेरी कंपनी में भी है, तो और जितना भी है मोस्टली यू नो हर जगह गल्फ कंट्रीज़ में ही होता है कि 1 साल के बाद 1 महीने की छुट्टी मिलती है, उसका आपका पैसा, उसको आपका पैसा मिलता है, कंपनी देती है, ठीक है। जब आप घर जाओगे तो 1 साल के बाद मान लो अगर नहीं भी जाना चाहते ठीक है, वो बाद में मिल जाएगा आपको फिर, लेकिन अगर आप जा रहे हो जैसे मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया, मैं भाई इंडिया आ रहा हूँ, तो कंपनी आपको टिकट भी देगी, सही है, उसमें से आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, प्लस में कंपनी आपको सैलरी भी देगी पूरी, 1 महीने की बेसिक सैलरी मिलेगी आपको, बेसिक जो आपकी लिखी होगी ना। तो यहाँ पर भाई के उसमें पता है क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ कि भैया हम आपको सिर्फ 15 दिन की सैलरी देंगे। भाई 15 दिन की सैलरी, बारिश आ गई क्या, बारिश आने लगी, तो 15 दिन की सैलरी क्यों दोगे भाई, कौन सी कंपनी है यहाँ पे, मतलब इनके तो लॉज मेरे को दिमाग ख़राब कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा कि सिर्फ 15 दिन की सैलरी देंगे, देखो एनुअली 15 डेज ब्रैकेट ऑफ द बेसिक सैलरी पेड डेज अपॉन द कंप्लीशन ऑफ 1 वर्किंग ईयर। भाई 15 दिन की बेसिक सैलरी क्यों दोगे, जब लॉ तो यही कहता है ना। ये गाइस पता है ये होता है कि इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरी हर रेगुलर वीडियोस को देखा करो, बहुत कुछ सारी चीज़ें मुझे मालूम, बिकॉज मैंने कुवैत में काम किया हुआ है यार, मैं एक मैनेजमेंट लेवल पे मैंने काम किया हुआ, तो इन लॉ से चीज़ें रिलेटेड मेरे को बहुत सारी चीज़ें मालूम है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, पता है। तो कभी भी 15 दिन की सैलरी नहीं होती, पूरी 1 महीने की सैलरी मिलती है, प्लस में 21 दिन की पेड लीव से मिलती है, अगर आपको बुखार होता है कुछ होता है मान लो, ठीक है, 1 महीने के अंदर आप छुट्टियाँ ले सकते हो, अगर आपको 4 आपका ऑफ तो रहेंगे 4 ऑफ तो आपको रहेंगे,
प्लस में आप छुट्टी भी अगर लोगे तो पेड लीव का मतलब ये होता है कि मान लो बुखार है तो आप अपना एक लेटर वेटर लिखवा लो डॉक्टर से, जाओ प्रिस्क्रिप्शन लिखवाओ, तो वो आप अपनी कंपनी में दीजिए, तो आपकी कोई सैलरी नहीं कटेगी। तो 21 दिन तक 21, मतलब एक साल के अंदर 21 वो होती हैं, तो आप छुट्टियाँ से ले सकते हो। लेकिन अगर वो 21 दिन की छुट वो आपने नहीं ली, तो पता है मेरी कंपनी में, जो पहली वाली कंपनी में ये था कि भाई मैंने तो नहीं ली थी, तो 21 दिन का मुझे पैसा मिला था, 21 डेज़ का, मतलब मेरी बेसिक सैलरी तो मिली मिली थी 30 दिन की मुझे, प्लस मुझे 21 दिन का मेरा पैसा भी मिला था, क्योंकि हमने तो लेते ही हम लेते ही नहीं थे, बाद में पता लगा अरे यार ये तो ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब और दिखाते हैं भाई का, हम देखते हैं यहाँ पे और क्या दिक्कत है। तो भाई साहब इनके मेरे को ऑफ़र लेटर में ये पूरा ही मेरे को फेक लग रहा है, लेकिन जो कंसल्टेंसी से इन भाई ने अप्लाई किया है, अब मुझे मालूम नहीं कि वो कंसल्टेंसी कौन सी है। कंसल्टेंसी से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है इंस्टाग्राम की रील के अंदर भी, प्लस में यहाँ पे भी आई कार्ड में आ जाएगा 100% ट्रस्टेड कंसल्टेंसी इन इंडिया। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ना 100% ट्रस्टेड कंसल्टेंसी इन इंडिया, तो हमारी वीडियो सबसे ऊपर आपको मिलेगी। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ मेरी पुरानी वीडियो देखो, प्लेलिस्ट देखो। सही है, ये तो हो गया। और क्या चीज़ है भाई, और भी कुछ था क्या? अब ये मैं इसीलिए बोलता हूँ पिक्चर ना थोड़ी हाई क्वालिटी में दोगे तो मेरे को इजीली समझ आ पाएगा। तो ये सीन हो गया। और भी कुछ है क्या इसमें? यहाँ पे जो हमारे एक, मैंने जो पहले वाले बंदे का नाम लिया था यार, मैं नाम भूल लेके, हाँ फोटेलियर करके जो बंदे हैं भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर देखो आपकी जो सैलरी है ना 100 प्लस में 15 KD, 115 KD आपको मिलेगा, प्लस में कंपनी आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करा रही है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करा रही है, प्लस मेडिकल प्रोवाइड करा रही है। लेकिन भाई ये इन्होंने भाई ने किसी कंसल्टेंसी से अप्लाई करेगा, मैं यहाँ पे नाम नहीं देना चाहूँगा, बट वो ट्रस्टेड कंसल्टेंसी है, ठीक है, कोलकाता की है। ठीक है, जिसको पूछना इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ रहे हैं, हम ज़रूर बताएंगे। तो जी यहाँ पे 115 KD के साथ साथ भाई का एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। तो भाई मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस सैलरी में बिल्कुल भी मत जाओ, बिकॉज बहुत कम सैलरी है 115 KD सैलरी। ठीक है, 115 KD, ठीक है, अगर आप खाना भी खाओगे ऑब्वियसली, तो कम से कम भी आपका 20 KD 25 KD तो खर्चा ये रहा, प्लस में आपका इंटरनेट का खर्चा रहा, और मतलब मोटा मोटा आपका 50 KD ख़त्म ही हो जाएगा। 115 में से 50 गए तो कितना बचा? 75, आई थिंक 75 ही बता ना, 75 25 35 45, तो ऑलमोस्ट इतना ही बचा। रुक जाए यार, 65 KD सैलरी भाई, 65 KD को अगर हम करते भी हैं 235 के हिसाब से तो सही है। क्या हो गया? तो भाई साहब 65 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 235 के हिसाब से, तो आप 15,275 रुपये घर बेच पाओगे। भाई इतनी कम सैलरी में क्यों जा रहे हो 2 साल के लिए? वो भी आई नो कि अभी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है, जॉब नहीं है, लेकिन गाइस थोड़ा सा वेट करो, वीज़ा खुलते ही इतनी सारी वैकेंसीज, और आप तो होटल लाइन के बंदे भाई, ट्रस्ट में मैं भी होटेलियर हूँ, चाहे वो होटल लाइन हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे A to Z जितनी भी लाइन है, इतनी सारी वैकेंसी खुलने वाली है ना, आप मतलब परेशान हो जाओ कि इंटरव्यू कहाँ कहाँ दो। तो इसीलिए थोड़ा सा वेट करो भाई, मत जाओ इसमें। मैं देखो, अगर बड़ा भाई जो भी आपको समझना हो, मैं आपको बिल्कुल, मेरा भी कोई रिलेशन वाला कोई बंदा होता तो मैं सीधा मना करता कि नहीं भाई कोई नहीं, हम 2-3 महीने और रुक जाएंगे, लेकिन इस सैलरी में जाओगे कुछ नहीं बचा पाओगे, वहाँ जाके परेशान हो जाओगे, बिकॉज वहाँ के खर्चे डिफरेंट है। आप अभी आपको सैलरी लग रही होगी अरे यार अभी तो मैं कुछ कमा नहीं रहा 115 KD के हिसाब से, अगर आप सोच रहे होगे कि भाई अरे मेरी तो इतनी मस्त सैलरी है, लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ ये पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जब आप वहाँ पहुँचोगे ना तो आप खुद कहोगे, अभी आपको लग रही होगी अभी आपकी सैलरी इतने आसपास बैठी होगी 27,000-27,500, लेकिन आप बचा कुछ नहीं पाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है, पछताओगे। आगे मर्जी है, मैं तो ये। और रही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यस एक और इंपॉर्टेंट बात कि टिप्स सर्विस चार्ज। अब बहुत सारे लोग पता है क्या, अब जब भी आप कंसल्ट, ये मैंने देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैंने काफ़ी वीडियोस में कवर कर रखा है, काफ़ी कंसल्टेंसीज आपको ये भी बोलेंगे, खासकर जो होटेलियर्स रेस्टोरेंट लाइन से रिलेटेड बंदे हैं, कि भाई आप देखो आपकी सैलरी इतनी है, शायद क्या पता आपसे ये भी बोला अरे टिप्स और सर्विस चार्ज तो बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको, तो सैलरी को हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। भाई हमारे साथ भी ये हुआ है, उन चीज़ के भरोसे मत रहना भाई, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उस चीज़ के भरोसे मत रहना, बिकॉज या तो आप उनसे लिख के लो कि हाँ भाई टिप्स और सर्विस चार्ज का आपको कम से कम भी 30 KD मिल जाएगा या 20 KD। क्योंकि देखो मैं जब पहली वाली कंपनी में था, मेरे को कितना बताऊँ, मेरे को मतलब 10 या 15 KD मुश्किल से महीने का मिल जाता था टिप्स विप्स मिला के। सर्विस चार्ज तो पहली बात होता ही नहीं है, ठीक है, सर्विस चार्ज और विस्चार्ज का कोई सिस्टम नहीं होता है कुवैत में, मैंने तो अब तक देखा नहीं, जितनी रेस्टोरेंट में मैंने काम किया या जितने बंदों को मैं जानता हूँ। ठीक है, भाई का शायद आई थिंक मैसेज आया किसी का इंस्टाग्राम पे, उन्हीं का मैंने उनको लिखा था, अगर आया तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आपको क्या क्या पूछना है, हमें वॉइस मैसेज ज़रूर। अच्छा नहीं, किसी और का मैसेज है, ठीक है। तो भाई
उनके भरोसे सर्विस चार्ज का भूल ही जाओ, टिप्स का भी भूल जाओ। बिकॉज देखो डिपेंड करता है आपका रेस्टोरेंट अच्छा चलता है तो आपको चलो 5-10 KD महीने की आ जाएगी रहेगी। अब मेरा जैसे दूसरा वाला रेस्टोरेंट था वो इतना अच्छा रन बिजनेस नहीं कर पाता, तो टिप्स वगैरह हमें नहीं मिल पाती थी भाई, महीने में हमें 5 KD भी नहीं मिल पाती थी, मैं आपको खुला बोल रहा हूँ। तो डिपेंड करता है, इसलिए टिप्स सर्विस चार्ज के भरोसे तो भूल ही जाओ। एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, एक बहुत अच्छा होटल है, तो उसमें तो चलो हम मान सकते हैं, होटल का अलग चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें गाइस, आई होप कि आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप कि मैंने बहुत ही डीपली अच्छे से एक एक पॉइंट सब कुछ बता दिया होगा सी है। और जो भी कुछ पूछना है कमेंट करो नीचे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो गाइस। 18th of October को हमारा बर्थडे है, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम 6,000 तो वहाँ पर करवा दो, अगर आप चाहो तो करवा सकते हो यार। प्लीज़ शेयर करो, फॉलो करो, दिल से सपोर्ट करो। देखो मैं हर किसी का रिप्लाई इसीलिए करता हूँ ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन निकाल पाऊँ। भाई बहुत सारे लोग हैं जो फिटनेस लाइन से भी मुझे देखते हैं, वो कहते हैं भाई फिटनेस लाइन से भी रिलेटेड बनाओ, हम लेके आएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखो, हर लाइन से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो बस आज के लिए इतना यार, बहुत लंबी वीडियो बन गई होगी, ये बोर भी हो गए होंगे, पता नहीं कौन देखेगा इतनी लंबी वीडियो। खैर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही डीपली और पहली बहुत दिनों के बाद मैंने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाई है। तो लाइक ज़रूर करना, टारगेट 200 लाइक्स का करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, मैं हो जाऊंगा सही, टेंशन मत लो यार। बट थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट यार। आज हम इंस्टाग्राम पे फोटो डालेंगे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह की, जहाँ पे हम गए थे, तो वहाँ पे फॉलो करना, लाइक कमेंट भी ज़रूर करना। बाय।